जम्मू कश्मीर से इस समय की बड़ी खबर आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से लगभग 6 साल के बाद प्रेसिडेंट रूल जो है वो हटने जा रहा है। आप सब लोग ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 व 3500 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया था। और वहीं आपको ये भी बताने चले कि जम्मू कश्मीर में जो है वो यहाँ पर अक्टूबर महीने में जो प्रेसिडेंट रूल है वो यहाँ पर लागू किया गया था, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 की बात करें तो यहाँ पर जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू कर दिया गया था अंडर सेक्शन 73 जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। और उसके बाद लगातार जो है वो प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लागू किया गया था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस कराए गए हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जीत की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो सबसे ज़्यादा सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहें कि 1996 के बाद 2024 में फिर से फुल मेजॉरिटी में यहाँ पर जो है वो अपनी सरकार बनाने जा रही है। और जिस तरह से कल उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से जो है वो राजभवन में मुलाकात की थी और उसमें आम आदमी पार्टी की सपोर्ट का जो लेटर था, कांग्रेस का जी सपोर्ट का जो लेटर था या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें, ये तमाम लेटर्स जो है वो वहाँ पर राजभवन में जाकर एलजी मनोज सिन्हा जी को सबमिट किए थे ताकि आगे की जो ओथ सेरेमनी है वो यहाँ पर की जा सके और आगे सरकार जो है वो काम कर सके। लेकिन इसमें आपको बताने चलें कि उमर अब्दुल्ला जी की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि जम्मू को जो है वो इस बार नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, यानी कि जम्मू के लोगों को जो है वो ये सरकार नजरअंदाज नहीं करेगी और कोशिश की जाएगी कि जम्मू की ओर जो है वो ज्यादा ध्यान दिया जा सके और जम्मू के लोगों के जो कामकाज हैं वो किया जा सके। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि जम्मू कश्मीर से अब प्रेसिडेंट रूल जो है वो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही उमर अब्दुल्ला जो है वो यानी कि शपथ ग्रहण करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो हट जाएगा और उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाएंगे और आगे के लिए जो काम है वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द सरकार अपना काम करना शुरू करे। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनका ये भी कहना है कि जो उन्होंने तमाम वादे यहाँ पर अपने मैनिफेस्टो में किए हैं उनको भी वो जो है वो सरकार पूरी करेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों का, खासकर जम्मू के लोगों का जो है वो अपना दिल जो है वो जीतेगी। लगभग 48 घंटों की बात करें या 64 घंटों की बात करें तो उसके अंदर अंदर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला शपथ जो है वो ले सकते हैं और सीएम की कुर्सी पर बैठकर और साथ ही साथ जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं या फिर मंत्री रहेंगे उनके सामने ये शपथ जो है वो ली जाएगी और उसके बाद आगे का जो कार्यकाल है वो संभालेंगे। और इसी के बीच अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस बार अपोजिशन में है, लेकिन कविंदर गुप्ता जी जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम है बीजेपी से, उनकी तरफ से भी एक तरफ ये बयान आया है कि जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने या फिर जम्मू रीजन के तमाम जितने भी एमएलएस ने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार बनाने में सपोर्ट किया है, वो केवल ये कहें कि एक आग से खेलने के बराबर है, यानी कि वो आग से जो है वो खेल रहे हैं। अब कविंदर गुप्ता जी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं वो भी आप लोग अपनी अपनी राय जरूर साझा करें। राजभवन से ये जितने भी जो लेटर है वो जो है वो जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी उनके पास जाएगा और उसके बाद होम मिनिस्ट्री में जाएगा और उसके बाद वहां से होते हुए सीधा जो है वो यहाँ पर ओथ सेरेमनी वगैरह जो भी रहेगी वो की जाएगी और आगे के लिए जो भी मंत्री वगैरह रहेंगे वो बनाए जाएंगे और सीएम की कुर्सी पर उमर अब्दुल्ला जी को जो है वो बिठाया जाएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।